तो दोस्तों फेब्रवरी मंथ के लिए ऐसे तीन ब्रेकआउट स्टॉक्स लेके आओ जिनमें आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो और काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। दोस्तों पूरा वीडियो देखते रहना, मिस मत करना। टारगेट, स्टॉप लॉस, एंट्री, एग्जिट सब कुछ बताऊंगा, किस भी पार्ट को मिस मत करना दोस्तों वीडियो के। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों, जो हमारा सबसे पहला जो स्टॉक है वो है रेन इंडस्ट्रीज का। इसका हमने स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी बताया था, लेवल बहुत शानदार था। तो आपको पहले मैं डेली टाइम फ्रेम भी दिखाना चाहूंगा, फिर मैं आपको लेके चलूंगा वीकली टाइम फ्रेम पे। डेली में देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने 164 पे लेवल दिया था, यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। और उसके बाद कुछ लेवल्स बताए थे, और ये देखते रहिएगा दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ तीन चार दिन में, दो दिन में यहाँ पे आपको 6 से 7 से 8% तक के रिटर्न भी मिले हैं। और हमने जो टारगेट बताए थे शॉर्ट टर्म के लिए, यहाँ पे बताया था 29%, जो कि पोजिशनल का था। और फिलहाल जो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग का फर्स्ट टारगेट था, जो दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1 के हिसाब से 4% का, फिर सेकेंड टारगेट था हमारा 10% का, जो कि हिट होने ही वाला है दोस्तों। अभी जिन्होंने पीछे एंट्री मिस कर दी और फेब्रवरी मंथ के लिए स्टॉक को लेना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत जबरदस्त मौका है। 170 का जो लेवल है वो ब्रेकआउट हुआ है, बहुत बढ़िया लेवल जो ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों यहाँ पे। और दोस्तों ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हैं, ये देखते हो ब्रेकआउट हो चुका है और आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। स्टॉप लॉस कहाँ पे लेना हो दोस्तों, आपको स्टॉप लॉस लेना है इसी कैंडल के लो का, जो कि 4% के आसपास का रहेगा, 168.90 रुपये का। तो यहाँ पे जो टारगेट की बात करें, टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 9 से 10%, और जो नेक्स्ट टारगेट इसका रहने वाला है दोस्तों वो यहाँ पे रहने वाला है 20% को। बस इतना ही लेके चलेगा आप, 20% के टारगेट के जो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। हालांकि लेवल से ऊपर भी मैंने मार्क किए हुए हैं, जैसे कि 240 290, बट ये तो बहुत ऊपर के लेवल्स रह गए हैं, ये तो मतलब शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए आ गए। बट आपको एक महीने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे फेब्रवरी मंथ के लिए ये स्टॉक्स के लिए बता रहा हूँ कि ये टारगेट आपका बहुत परफेक्ट रहेगा दोस्तों रेन इंडस्ट्रीज का। तो नेक्स्ट टारगेट की बात करें, नेक्स्ट स्टॉक की बात करें, जो कि है RCF, चार्ट खोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम देखोगे तो ब्रेकआउट हो चुका था बहुत पहले ही, बट आपको क्या देखना है वीकली में चले जाना दोस्तों। वीकली में जाके देखिएगा दोस्तों बड़े ध्यान से, ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की मैंने, इसका ब्रेकआउट हुआ दोस्तों। अभी इसका ब्रेकआउट होने के बाद आप देखोगे ना, यहाँ पे पीछे कोई इतने हाई लेवल्स है नहीं, ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। और दोस्तों ये देखिएगा, ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए क्या हुआ दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, ये ब्रेकआउट तो हुआ ही हुआ, साथ ही साथ एक यहाँ पे रेड कैंडल बन गई, यानी कि इसमें थोड़ी सी करेक्शन आ गई दोस्तों। बट करेक्शन कैसे आई वो देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, बट एक्चुअली इसको फॉल्स ब्रेकआउट मानेंगे, यहाँ से हुआ तो यहाँ पे रेंज में चलता रहा, और ये देखिए दोस्तों ऊपर गया, फिर करेक्शन हुई, बैक टेस्ट किया, रिटेस्ट किया दोस्तों, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया है, और यहाँ पे हम कर सकते हैं बाय दोस्तों। और अगर आप यहाँ बाय करोगे तो स्टॉप लॉस कहाँ पे लेना होगा, स्टॉप लॉस लगभग आपका रहेगा लगभग यहाँ पे 3 से 4% के आसपास का। तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लीजिए 3.64% का, यानी कि 175 रुपये का। अभी टारगेट कहाँ पे रखना है दोस्तों, आपको टारगेट बहुत बड़ा है दोस्तों, इसका 21% के आसपास का आपका टारगेट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। तो 21% का टारगेट डिसेंट होता है, हालांकि बीच में एक लेवल भी मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा 200 का, तो 200 का लेवल भी बहुत ज़बरदस्त रहेगा, आपको यहाँ पे 10% के टारगेट मिल जाएंगे दोस्तों। और नेक्स्ट जो लेवल रहेगा आपका 20 से 21% का रहेगा, जो कि 221 रुपये का रहेगा। हालांकि उसके ऊपर भी है लेवल्स, बट एक बार फिलहाल फेब्रवरी मंथ के लिए जो जो मैं स्टॉक बता रहा हूँ इसके लिए इतना ही डिसेंट रहेगा दोस्तों RCF के लिए। तो नेक्स्ट जो है दोस्तों स्टॉक जो है वो है हमारा एलगी इक्विपमेंट। तो इसको खोलते हैं दोस्तों, स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम पे है, ध्यान से देखिए कौन सा पैटर्न बन रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे चलेंगे दोस्तों इसको समझने के लिए, बड़ा सा मतलब सिंपल सा पैटर्न है दोस्तों। यहाँ पे एक रेंज मैंने ड्रॉ की है, इस रेंज को दिया है ब्रेकआउट दोस्तों। अभी ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी, जिसको सपोर्ट देते रहा, बड़े आराम से सपोर्ट लेते रहा दोस्तों। अभी डेली टाइम फ्रेम पे वापस चलते हैं, ये देखिए दोस्तों इस ट्रेंड लाइन को बहुत रिस्पेक्ट दिया है इस कैनल ने, इस चार्ट ने। यहाँ पे क्या हुआ, रेंज का ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम के साथ में 2-3 रेंज तोड़ दी इसने। अभी यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो दोस्तों, तो अगर आप एम पे एंटर करते हो, स्टॉप लॉस कहाँ पे लेना होगा आपको, तो स्टॉप लॉस आपका रहेगा इसी रेंज के लो का, ये देखिए 3.72% का, यानी कि 559 रुपये का आपका स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों। अभी बात कर दिया टारगेट की, तो टारगेट बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है, 11 से 12% का टारगेट रहने वाला है दोस्तों। अभी ये तो हुआ फर्स्ट टारगेट 650 रुपये का, नेक्स्ट जो आपका टारगेट रहने वाला है वो यहाँ पे रहने वाला है लगभग 16% का, यानी कि 678 रुपये का टारगेट रहने वाला है। बाकी वीडियो कैसे लगे कमेंट्स बताना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों।